नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का सिंह। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायपुर में निकाली गई विशाल कांवड़ यात्रा, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई कांग्रेस नेता हुए शामिल। हर हर महादेव किनारों से गूंजा शहर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का 23 अगस्त को शहडोल दौरा, स्कूटी वितरण कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ, जनदर्शन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव पहुंचे पैरीटोला, विधायक छन्नी साहू का जाना हालचाल, ग्रामीणों से विकास कार्य को लेकर की चर्चा। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी तेज, आगामी चुनाव के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, साझा विधानसभा से रविंद्र चौबे ने किया आवेदन। रायगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन, प्रदेश सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। खबर रायपुर से है जहां पश्चिम विधानसभा में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। इस दौरान बोलबम और हर हर महादेव के नारों से पश्चिम विधानसभा समेत पूरा रायपुर शहर गूंज उठा। वहीं संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा बहुत ही भक्तिमय, संगीतमय और आनंदमय रूप से सफल हुई और इस दौरान 50,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं का जनसैलाब श्री शंकर भगवान की भक्ति में उड़ा। साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गई है। शायद यही कारण है कि आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल में लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का हाल में ही शहडोल का तीसरा दौरा होने जा रहा है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान 23 अगस्त को शहडोल दौरे पर रहेंगे, जहां वे राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण का कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान सीएम प्रदेश के 7,900 हायर सेकेंडरी में स्कूल टॉपर छात्रों को स्कूटी की सौगात देंगे, जिसमें शहडोल के 144 मेधावी छात्र लाभान्वित होंगे। प्रत्येक स्कूल से एक एक छात्र छात्रा का चयन किया जाएगा, जिसके अलावा जिले के 2 विद्यालय ऐसे हैं जहां से 3-3 छात्रों का चयन हुआ है। वहीं इसके बाद सीएम जनदर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक रोड शो भी करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। तो साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और जिसको लेकर बीजेपी अभी से युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। शायद यही कारण है आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल में लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का हाल ही में शहडोल का ये तीसरा दौरा होने जा रहा है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान 23 अगस्त को शहडोल दौरे पर रहेंगे और जहां वे राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सीएम प्रदेश के 7,900 हायर सेकेंडरी में स्कूल टॉपर छात्रों को स्कूटी की सौगात भी देंगे। तेईस तारीख को जो मुख्य कार्यक्रम है, एक जनदर्शन का कार्यक्रम है 1 से 1.5 घंटे का, उसके बाद मंचीय कार्यक्रम है। मंचीय कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग का ई स्कूटी वितरण कार्यक्रम है, जिसमें शहडोल से अपनी 140 जो बच्चे बच्चियां हैं, छात्र छात्राएं हैं, इनको ई स्कूटी का वितरण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के जो 5 विद्यालय हैं, उनको मंच से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस संस्थान के साथ जहां प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उसका एक्सेप्टेंस लेटर जो है प्रदान किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें भारी संख्या में बच्चे आएंगे और स्कूल बच्चे भी आएंगे, जिसमें उनको मोटिवेशन मिले कि यदि हम कक्षा में प्रथम आएंगे तो उसमें स्कूटी मिलेगी, और इस तरह का हमने कार्यक्रम प्लान किया है। रोड शो भी है कि जी हाँ, इसमें जनदर्शन कार्यक्रम है जो 1.5 किलोमीटर का है, गांधी चौक से वो शुरू होगा और अम्बेडकर प्रतिमा से होते हुए पॉलिटेक्निक ग्राउंड पे जहां सभा है वहां खत्म होगा। मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन शहडोल में शीघ्र होने जा रहा है और जहां तक प्रशासनिक पुलिस की दृष्टि से जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए हम सब कृत संकल्प हैं। जो तैयारी वस्तुतः लगती है जनसेवा के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए, वो चाक चौबंद रहेगी। पुलिस निरीक्षक और कलेक्टर संवेदनशीलता से पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं
और चाहे वो हेलीपैड की व्यवस्था हो, चाहे वो रोड शो की व्यवस्था हो, चाहे वो आम सभा की व्यवस्था हो, हर जगह पर व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा की दृष्टि से, और जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी शुभकामनाएं पुलिस अधीक्षक को, कलेक्टर को, कि वो इस पूरे प्रोग्राम को बड़ी अच्छी और पूरे व्यावसायिक निपुणता के साथ संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। खुजी विधायक छन्नी चंदू साहू पर हुए जानलेवा हमले में हाल चाल जानने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव पैरीटोला पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टीएस सिंह देव का भव्य स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों ने टीएस सिंह देव से मुलाकात कर विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और नाराजगी जताई है। पांच साल से लगभग पूरे होने को आ रहे हैं, ये पूरी क्षेत्र में भ्रमण करती रही, अभी भी सब जगह जा रही हैं, कहीं ऐसे होने की संभावना तक सुनने में नहीं आई थी। कैसे हो गया, क्या हो गया, बुरा समय टला मैं तो कहूंगा, और आगे कोई और बात इसमें है तो पुलिस जांच करेगी, जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। आजकल अपने अपने हिसाब से लोग फैसले लेते हैं, पार्टियां फैसले लेती हैं, कुछ एक सोच हो गई है कि जल्दी घोषणा कर दिया जाए, वरना जब नाम भरने का समय आता है, नामांकन का समय आता है, तब उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होती है सभी दलों की। अब कुछ समय दिया जा रहा है कि पहले ही घोषित कर दो। उसी तारतम्य में भाजपा ने जहां वो हारे, संजोग ऐसा रहा कि वो 75 सीटों में हारे, 15 सीट ही जीत पाए थे, जहां हारे उनमें से 21 जगह उनने प्रत्याशी चुन के दिए हैं। कांग्रेस एक प्रक्रिया से चल रही है, उसने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आवेदन के लिए कहा है, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी में सारे आवेदन आएंगे, वहां से मत होगा, फिर प्रदेश में आएगा, फिर प्रदेश की इलेक्शन कमेटी है वो परीक्षण करेगी, फिर दिल्ली तक जाएगा, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फाइनल करेगी। देखिए प्रतिदिन के भांति मैं उस दिन कल भूमि पूजन के कार्यक्रम थे महिला सामुदायिक भवन का और अतिरिक्त कमरा का, और गए गांव वाले सब उत्साही थे, बढ़िया भूमि पूजन किए। भूमि पूजन करने के बाद वहाँ वर्तमान जनपद सदस्य थे, पूर्व जनपद सदस्य, दोनों अच्छे से भाषण दिए। भाषण देने के बाद एक बच्चों का कार्यक्रम किए कि वो बच्चों का कार्यक्रम होगा, उनके बाद मैडम भाषण देगी करके बच्चों का कार्यक्रम चल रही थी। वहीं पे चलने के बाद पीछे से कोई लड़का आया, बाल पकड़ा, फिर चाकू गले पे लगाए, तो उनके चाकू से पहले मैं अपने कलाई रखी तो कलाई में ही चाकू पड़ी, ऐसा घटना हुआ। देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी को बलिदानी की पार्टी के नाम से जाना जाता है। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी अपने पिता के हत्यारों को, अपने दादी के हत्यारों को अगर माफ कर दिए तो मैं तो उस पार्टी की एक छोटा सा अंग हूँ, और मैं भी माफ करती हूँ। बाकी जो भी कार्रवाई करवाएंगे तो ग्रामवासी, ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामवासी की तरफ से। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संवैधानिक नियमानुसार विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन पत्र ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को देना होगा। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से प्राप्त आवेदनों को और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्राप्त आवेदनों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा, जहां से विचार विमर्श के पश्चात टिकट का वितरण किया जाएगा। और इसी कड़ी में साझा विधानसभा के विधायक रविन्द्र चौबे ने समर्थकों के बीच अपना आवेदन पत्र विधानसभा के तीनों ब्लॉक अध्यक्षों को विधिवत सौंपा, और इस दौरान मौके पर सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के निर्देशानुसार हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को नामांकन आवेदन करना है, उसी के तहत मैं आज साझा आया था। कांग्रेस भवन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साझा थान कंवरी और धमदा के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद थे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ आकर के मैंने आवेदन जमा किया है। इस विधानसभा क्षेत्र से लगभग लगातार जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खूब आशीर्वाद है। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी भी बनाया जाएगा। साझा विधानसभा से भारी जीत कांग्रेस की होगी। छत्तीसगढ़ में 75 पार की सरकार हम बनाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आज माननीय रविन्द्र चौबे जी ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साझा थान कमरिया और धमदा को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आज कार्यकर्ताओं के साथ अम्बेडकर भवन साझा में आज माननीय चौबे जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है।
छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों को देखते हुए नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा, बीरगांव महापौर, निगम मंडल आयोग सदस्य सभापति, सरपंच, पंच, पार्षदगण और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनावों को लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के चारों ब्लॉक अध्यक्षों को अपना आवेदन दिया। बता दें कि पंकज शर्मा रायपुर ग्रामीण विधानसभा के विभिन्न समाज के प्रमुख कांग्रेस जन और वरिष्ठ कांग्रेस जन की उपस्थिति में अपना आवेदन पेश किए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी रायपुर के महापौर एजाज डेबर ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। बता दें कि एजाज डेबर ने दक्षिण विधानसभा और उत्तर विधानसभा दोनों से टिकट के लिए दावेदारी की है। सोमवार को महापौर एजाज डेबर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचकर अपना आवेदन दिया। बता दें कि महापौर एजाज डेबर एनएसयूआई के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दावेदार अपनी दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। वहीं सारगण विधानसभा सीट के लिए दावेदारी करते हुए सारगण विधायक उत्तरी जांगड़े, गणपत जांगड़े सहित कुल 16 लोगों ने पत्र सौंपकर अपनी दावेदारी की है। जी आज मैं भी फॉर्म भरी हूं और कांग्रेस परिवार की उपस्थिति में, दोनों ब्लॉक के और हमारे कांग्रेस वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में आज मैं फॉर्म भरी थी और हम दोनों फॉर्म भरे हैं। और मैं आशा चाहूंगी कि हमारे क्षेत्रवासियों और हमारे जो कांग्रेस परिवार ने मुझे टिकट दे रहे हैं, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आने वाले जो दिन में जो भारी बहुमत से जीती थी उससे आंकड़ा और रहेगा और क्षेत्र के विकास के लिए तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कि हम लोग जिला बनाए, जिला के साथ साथ बहुत सारे सारांगण विकास के, जैसे कन्या महाविद्यालय, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सभी बहुत अच्छा हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। उसके साथ साथ हमारे सारांगण में बहुत सारा विकास हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद कहूंगा कि आप लोगों ने आकर के यहाँ हमारा जो आज हम लोग आवेदन कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, उसमें आए, उसके लिए मैं आप लोगों को सभी को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही बताना चाहूंगा कि जैसे युवा की बात की आप लोगों ने, तो मैं बताना चाहूंगा 2001 से मैंने कारवां शुरू किया था अपना कांग्रेस पार्टी में और 2002 में सालनायक रहते हुए छात्र संगठन से अपना कांग्रेस पार्टी में योगदान देते आ रहा हूँ। चूंकि 2018 में भी मैंने दावेदारी की थी लेकिन कोई वजह से हमारा नंबर नहीं लगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमने जिता करके लाया और अभी पुनः हम लोग कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। हम लोग दोनों पति पत्नी अनिका भारद्वाज और मैं विनोद भारद्वाज। देखिए, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शैलजा जी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पे सभी टिकटार्थियों को जो आवेदन कर रहे हैं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आवेदन करेंगे और हमारे माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी ने भी कल बोला है कि मैं भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जाके आवेदन करूंगा करके। तो हमारे मुखिया जब कर रहे हैं तो सबको निर्देश है कि सब अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आवेदन करें। अगर आपकी पार्टी आप पर विश्वास जताती है, स्वच्छता नहीं जताती, तो क्या आप पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे आगामी समय में, क्योंकि आप भी एक दावेदार है, प्रबल दावेदार है सारंगढ़ से? देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि जिसको भी टिकट मिले कांग्रेस से हम सब मिलकर उसको चुनाव जितवाएंगे और हम जितने अभी दावेदार अभी अपन जो फॉर्म भरे हैं सब लोगों ने एक राय से फॉर्म भरे कि जिसको ही मिले कांग्रेस को जिताएंगे। गरियाबंद जिले के राजीव विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गलियारों में गति आ गई है, जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने विधायक प्रत्याशी की दावेदारी करते हुए अपनी अपनी पार्टियों में दावेदारी की ताल ठोकनी शुरू कर दी है। और इस दौरान राजीव विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष युगल पांडेय ने विधायक प्रत्याशी की दावेदारी की है, जिन्होंने गरियाबंद जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस भवन में ब्लॉक अध्यक्ष हफीज खान को विधायक प्रत्याशी की दावेदारी का आवेदन सौंपा, जहां युगल पांडेय अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस भवन गरियाबंद पहुंचे। पहले भी पिछले चुनाव में भी अपन ने दावेदारी किया था और सौभाग्य मेरा की स्क्रीनिंग कमेटी तक। निश्चित रूप से ये दुनिया में सबसे विलक्षण कार्य करने वाले लोग हैं जो ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं और उनके प्राचार और उनके शिक्षक जो हैं जो इनके बीच आके काम करते हैं,
मैं सबसे पहले तो उन्हें बहुत दुआएं दूंगा और उनके भविष्य की अच्छी कामना करता हूं। निश्चित रूप से समाज से ये अलग होते हैं, ईश्वर ने सारी चीजें मनुष्य को दी होती, लेकिन कुछ विलक्षण ये होता है कि एक कोई अंग खराब हो जाए, एक हाथ खराब हो जाए, पैर खराब हो जाए, तो उस आदमी की जीने की क्षमता कम हो जाती है, उसका उत्साह कम हो जाता है। लेकिन यहाँ आके देखा कि छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से नृत्य, खास तौर से अरपा पैरी के धार, जो हमारा राष्ट्र की आज जो हमारा राजकीय गीत है, वो भी बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की, नृत्य भी बहुत अच्छा किया। तो मैं नहीं समझता कि सामान्य स्कूल के बच्चे, इनमें कोई खास फर्क होगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले रायगढ़ जिले के 400 से अधिक स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि स्थानीय शहीद विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वेतन विसंगति, छुट्टियों में भी लगातार ड्यूटी करने व कोरोना काल में पहले इंजेक्शन टेस्ट करवाने के बाद भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से अपराधी तत्वों द्वारा मारपीट के मामले आते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को कानून के तहत सुरक्षा देने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी की। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि इस बार जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम जो है स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी, हम डायरेक्ट जो है सीधा जनता की जान से जुड़े हुए हैं, तो सरकार को मुझे लगता है कि हर विभाग की मांग को उन्होंने पूरा किया पर हमको एक किनारे छोड़ दिया। जैसे एक परिवार होता है, आप मेरी पूरी बात सुनिएगा, जैसे एक परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है, हमारे मुखिया कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी है। तो उन्होंने क्या किया, तीन बच्चों को बराबर उनका अधिकार दिया, बराबर उनकी बातें सुनी और एक बच्चे को छोड़ दिया। तो ये कहाँ का न्याय है? जबकि हम लोग जो है दिन और रात मेहनत करते हैं, हम लोग जो है आरएचओ हैं, मैं खुद अपना बता रही हूँ और जितने आरएचओ यहाँ पर हैं वो सब दिन और रात 24 घंटा काम करते हैं। हम लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। हमारी वेतन विसंगति जो है सबसे प्रमुख इसलिए है क्योंकि हर आरएचओ हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, कोई भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। उसका कारण, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। मैं तो वही मानती हूँ। प्रभावित होने वाली बात तो अलग है, पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जो ग्रामीण इलाकों में कार्यरत जो स्वास्थ्य अमला है, स्वास्थ्य संयोजक का, जो सिटी में कार्यरत है नर्सिंग स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं, वो सब एक साथ मिलकर के आज हड़ताल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि आज पूरा स्वास्थ्य अमला सड़क पे क्यों आया, इस पे गहन अवमनन होना चाहिए। भूपेश सरकार की नीतियां हमेशा कर्मचारी विरोधी रही है। आज यही सिर्फ स्वास्थ्य फेडरेशन कर रहा है, ऐसा नहीं है, शिक्षक फेडरेशन भी देखिए आप हड़ताल पे है, तमाम कल से लिपिक फेडरेशन हड़ताल पे जा रहे हैं, तो सभी कर्मचारी जा रहे हैं और सबकी जायज बातें हैं। और उसमें सबसे प्रमुख बात है वेतन विसंगति का। वेतन विसंगति को लेकर के सरकार ने खुद पिंगुआ समिति बनाई है। पिंगुआ समिति का कार्यकाल 6 माह का था आज तक, लेकिन उसका 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक उसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है। अगर वो हो जाती तो एक बहुत बड़ा समस्या लोगों का हल हो जाता। जो आज स्वास्थ्य संयोजक यहाँ पे बोल रहे हैं हमारी वेतन संगति दूर नहीं हो रही है, नर्सिंग स्टाफ बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं वेतन संगति दूर, ये तो कम से कम खत्म हो जाता, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। 5 सूत्री जो इनकी मांग है वो जायज है और छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन इसका समर्थन करता है। छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन कर्मचारी संघ के करीब 40,000 सदस्य अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वेतन विसंगति, सैलरी न मिलना, कोरोना भत्ता डॉक्टरों समेत मेडिकल स्टाफ पर हो रही हिंसा को लेकर राज्य के हर जिले में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सारणगढ़ बिलाईगढ़ जिले के स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी 5 सूत्रीय मांग रखी है। वहीं हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। यह धरना प्रदर्शन जो है आज से हमारा स्टार्ट हुआ है और संयुक्त छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के द्वारा यह हड़ताल का एक दिवसीय आज का प्रथम दिवस है और शासन की मांग प्रमुख मांगे जो हैं अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम आगे भी हड़ताल जारी रखेंगे, जिसमें से हमारी प्रमुख मांगे जो हैं आरएचओ संघ का वेतन विसंगति है, नर्सिंग संवर्ग का वेतन विसंगति है, डॉक्टरों को स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए और जो शासन के द्वारा कोरोना काल में विशेष वेतन भत्ता दिया जाऊंगा बोला था वो भी हमारा अधूरा आज तक पूरा नहीं पाया, वो भी हमारी एक प्रमुख मांगे हैं। तीसरी मांगे हैं हमारी जो अवकाश है उसको भी हम अतिरिक्त जो अवकाश दूसरों विभाग को जो शनिवार को अवकाश दिया जाता है वो भी हमारा एक मांग में प्रमुख है और हमारा जो है अभी भी कई हॉस्पिटल जो है हमारे पूरी पूर्ण रूप से कर्मचारी से नहीं भरा हुआ है, वो सेटअप के अनुसार से जो
सेटअप है उसके हिसाब से वो कर्मचारियों को भरा जाए। और पांचवा हमारे प्रमुख जो मांग है जो हमारे ऊपर किसी प्रकार से, प्रदेश सरकार कृषि विभाग को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी सीएम भूपेश की योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हैं। कृषि विभाग के कर्मचारी मुख्यालय स्थित ऑफिस में अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरह कर्मचारी अपनी मनमर्जी से ऑफिस चला रहे हैं। कर्मचारियों की अनुपस्थिति में एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल दी है। प्रदेश सरकार कृषि विभाग को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी सीएम भूपेश की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। कृषि विभाग के कर्मचारी मुख्यालय स्थित ऑफिस में अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच रहे, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरह कर्मचारी अपनी मनमर्जी से ऑफिस चला रहे हैं। कर्मचारियों की अनुपस्थिति में एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल दी है। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए पुलिस की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर के निर्देश पर अंतर्राज्यीय जांच नाका पर वाहनों की जांच करते हुए गांजा तस्करों पर कार्रवाई की गई है, जहां बोराई पुलिस ने गांजा तस्कर से 70 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 15 लाख रूपये आंकी गई है। और फिलहाल पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए पुलिस की ओर से हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर के निर्देश पर अंतर्राज्यीय जांच नाका पर वाहनों की जांच करते हुए गांजा तस्करों पर कार्रवाई की गई, और जहां बोराई पुलिस ने एक गांजा तस्कर से 70 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 15 लाख रुपये आंकी जा रही है। और फिलहाल पुलिस ने गांजा तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। अंदर बॉर्डर पे एक जो चेकिंग का पॉइंट लगा हुआ है, उस पर आज एक गाड़ी पकड़ाई सस्पेक्ट की, जिसपे चेक करने पे गांजा मिला, जिसपे NDPS एक्ट की तरह कार्रवाई की जा रही है। मुलजिम जो मलकानगिरी का था वो लेके यूपी की तरफ जा रहा है, आगे और पूछताछ की जा रही है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। कोंडागांव पुलिस को कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता मिली है। कई जिलों से जियो टावर की बैटरी की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरों से तकरीबन 58,57,000 रुपए का चोरी का सामान भी जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि माकड़ी में लगे जियो टावर से 8 बैटरी और रिलायंस जियो टावर से 3 बैटरी कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया है। वहीं प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर अपराध कायम कर विवेचना में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार करके एक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने पूछताछ में चोरी का जुर्म कबूल किया है। कोरगांव पुलिस को कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई जिलों से जियो टावर की बैटरी चोरी हुई है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरों से तकरीबन 58,57,000 रुपए का चोरी का सामान भी जब्त हुआ है। और मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि माकड़ी में लगे जियो टावर से 8 बैटरी और रिलायंस जियो टावर से 3 बैटरी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।